पहलका न्यूज के सभी दर्शकों को मैं जूली श्रीवास्तव प्रणाम करती हूँ। खबरें वो जो बने सुर्खियाँ, अंदाज ऐसा जिसे अब तक न देखा न सुना, देश की प्रमुख खबरें और उनका विश्लेषण, सिर्फ खबर ही नहीं खबर के अंदर की खबर जानने के लिए देखें tahalka.in। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज और मैं हूं विनय कुमार। मऊ में छठ पर जमकर हुई खरीदारी, लगा जाम। मऊ में आज सुबह से ही डाला छठ की खरीदारी करने वालों की जबरदस्त भीड़ देखी गई। नगर के भीटी व शहादतपुरा के आजमगढ़ मोड़ पर जाम की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते यातायात पुलिस के पसीने छूट गए। वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। सड़क के किनारे अस्थायी रूप से लगाए गए फलों व गन्ने की दुकानों पर महिलाओं की अपार भीड़ खरीदारी करते हुए आमतौर पर देखी गई। बढ़ती महंगाई के बावजूद लोग जमकर खरीदारी किए। बताते चले कि कल से मनाया जाने वाला 2 दिनों का यह कठिन व्रत महिलाओं में काफी उत्साह देता है। मऊ नगर सड़कों किनारे टेंट आदि लगा के अस्थायी रूप से दुकानों को सजाया गया था, जहां सुबह से लेकर देर शाम तक खरीदारी करने वालों की भीड़ उमड़ी रही। हालांकि कोरोना के लेकर दुकानों की सजावट इस बार तो कम की गई है, पर लोग कम खर्चे में ही इस त्यौहार को अच्छे से मनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, आप देखते रहिए tahalka.in। खेत से खलियान तक, गांव से शहर तक, गली से चौराहे तक, मऊ जिले की जर्रे जर्रे की आवाज, हम सबका अपना तहलका न्यूज मऊ। तहलका न्यूज मऊ, तहलका न्यूज मऊ, सिर्फ खबर ही नहीं भरोसा भी।